मिनासान कोनिचीवा, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है जापानीज विद पूनम में, जहाँ पे मैं हूँ पूनम, मैं आपको सिखाती हूँ जापानी भाषा, वो भी हिंदी में। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मिन्ना नो निहोंगो लेसन नंबर 17 का बचा हुआ ग्रामर। ठीक है, उसमें क्या है, पार्ट 4 में मैंने ग्रामर जो है ना वो बचा हुआ इंक्लूड किया है। तो चलिए देखते हैं, बहुत ही सिंपल है ये जो लेसन 17 है, ये पूरा निगेटिव फॉर्म जो है ना उसके ऊपर है। उसके लिए आपको पार्ट 1 देखना बहुत जरूरी है, जिसमें मैंने वर्ब का निगेटिव फॉर्म कैसे बनाते हैं वो सिखाया है। उससे रिलेटेड आपको 2, 3 और ये 4 भी देखना है, क्योंकि उससे रिलेटेड जो पार्ट है वो इसमें ग्रामर पैटर्न आ गया है। और ग्रामर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि आप जो डेली कम्युनिकेशन करने जाओगे जापनीज का, उसमें ये सेंटेंस पैटर्न आप यूज करोगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे है कुतेमो ईदेस का। ओके, सबसे पहले तो है कुतेमो ईदेस का मतलब क्या है। जैसे कि तेमो ईदेस का हमने सीखा था बाबा को सुतेमो ईदेस का, अगर मैंने सिगरेट पी तो चलेगा क्या। ठीक है, तो तेमो ईदेस का अब हमें क्या करना है, वो यहाँ पे वर्ब का नाई फॉर्म करना है। ठीक है, वर्ब का निगेटिव फॉर्म बनाना है, उसमें से ई आपको रिमूव करना है। बचा हुआ क्या है, वर्ब और ना बचता है ना, तो वर्ब ना कुतेमो ईदेस का। ठीक है, ना कुतेमो ईदेस का। तो देखते हैं इसका यूज क्या है। नो नीड टू डू समथिंग, ओके, डोंट हैव टू डू समथिंग, आपको वो करने की जरूरत नहीं है। कितना सिंपल है, ठीक है ना। तो चलिए सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस देखने के बाद बहुत ही अच्छी तरह से वो ग्रामर पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो है आश्ता कुरेवा आश्ता नो कांजी देस मिनासान। आश्ता अकारुई देस ने, अकारुई का मतलब है ब्राइट, ओके, और सन, कारुई और सन, यह आश्ता। कोना कुतेमो ईदेस मतलब कल अगर आप नहीं आए तो भी चलेगा। ठीक है, आश्ता कोना कुतेमो ईदेस, कल आप नहीं आए तो भी चलेगा। दूसरा है दोयो बिनो गोगो देस ने मिनाता। दोयो बीवा नंदस्ता, निचियो बीवा नंदस्ता, देस देस ने मिनासान दे। सो दोयो बीवा शनिवार सैटरडे, निचियो बीवा संडे, क्या गेत्सुयो बीवा मंडे, कायो बी सुयो बी मोकुयो बी। नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के भेज देना, ठीक है, क्योंकि आपको आने चाहिए डेज ऑफ द वीक। सो दोयो बी नो गोगो देस ने, गोगो वा आफ्टरनून देस, ओके, आफ्टरनून, गोजेन वा एएम मॉर्निंग। तो दोयो बी नो गोगो बेंक्यो शिनाकुतेमो ई देस का। सो देस ने माइनिच बेंक्यो बाकारी शितेरुन देस ने मिनासान। आप हर रोज जापनीज का स्टडी करते हो, तो सैटरडे आपको रिलैक्स चाहिए, तो आपको क्या करना है, मॉर्निंग का आपका सैटरडे का क्लास हो गया तो दोपहर को मैंने अगर स्टडी नहीं किया तो चलेगा, ऐसा यहाँ पे बोला है। ठीक है, सो दोयो बी नो गोगो सैटरडे आफ्टरनून बेंक्यो शिनाकुतेमो ई देस का, अगर मैंने स्टडी नहीं किया तो चलेगा क्या। ठीक है ना, अगर आप हर रोज स्टडी करते हो तो दोयो बी नो गोगो यासुंदेमो ई देस यो, अगर आपने रेस्ट किया तो भी चलेगा। ओके, और भी कुछ ग्रामर मतलब सेंटेंस है, उससे हमें बहुत ज्यादा मतलब अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। नामायो हकानाकुतेमो ई देस मतलब डोंट हैव टू राइट योर नेम हियर, ओके, मतलब आपको खुद का नाम यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। नामायो खाकानाकुतेमो ई देस का, अगर मैंने मेरा नाम यहाँ पे नहीं लिखा तो चलेगा क्या, यहाँ पे क्वेश्चन अगर मैं करती हूँ का, तो यहाँ पे वो सेंटेंस जो है ना उसका न्यूअर्स बदल जाएगा। कुत्सुओ नुगानाकुतेमो ई दे, ओके, मतलब डोंट रिमूव योर शूज। कुत्सुओ नुगानाकुतेमो ई दे, आपको शूज रिमूव करने की जरूरत नहीं है। कुरुमाए नी मतलब जब भी आप मतलब मुझसे मिलने आओगे तब देनवा शिनाकुतेमो ई देस, डोंट कॉल मी, ओके, डायरेक्टली कम, ओके। सो इस तरह से आपको वो क्या करना है, पैटर्न जो है ना वो यूज करना है, मतलब नानी नानी करने की जरूरत नहीं है। ओके,
सो आई होप ये ग्रामर पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको वर्ब का जो निगेटिव फॉर्म है वो किस तरह से बनाते हैं, और जो मैंने आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाया है उसका न्यूअंस अगर आपको पता है तो आप कौन सा भी सेंटेंस बना सकते हो। ठीक है, सही कहा ना? वेरी गुड। तो मैंने अभी दिया है शुकुदाई, शुकुदाई होमवर्क, तो उसमें क्या है, गा को इको। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस में आपको बना के बताती हूँ किस तरह से बनाना है, बाकी के जो है ना आपको बना के मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में भेज देने, ताकि मुझे पता चले आपको ये ग्रामर पैटर्न अच्छी तरह से समझ में आया है या नहीं आया। ठीक है ना? तो पहला है गाको इको, मतलब स्कूल में जाना। गाको ए इकाना कुदेमो ईदेस। ओके, गाको इकाना कुदेमो ईदेस, मतलब स्कूल में जाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आप सेंटेंस बनाने हैं। देनवा बांगो ओ ओबोएरू, देनवा बांगो ओबोएरू मतलब जो आपका टेलीफोन नंबर है उसे रिकॉल करने। ठीक है, तेत्सुदाओ मतलब हेल्प करना, तो जी शुरू मतलब घर की साफ सफाई करना। उसके बाद है खाईशानी इकु मतलब कंपनी में जाना। ठीक है, तो ये जो है ना इसके सेंटेंस बना के आप मुझे भेज दो, ताकि मुझे पता चले कि ये ग्रामर पैटर्न आपको सही तरीके से समझ में आ गया है। तो चलिए दोस्तों, अरिगातो गोजाइमाशिता, ओत्सुकारे सामादेशिता। तो इसी तरह से स्टडी करते रहिएगा, अगर कोई भी मन में डाउट हो इस ग्रामर रिलेटेड या फिर कौन सा भी ग्रामर पैटर्न रिलेटेड, आप मुझे कभी भी मतलब कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, या फिर मेरा कॉन्टेक्ट नंबर वहां पे है, वहां पे आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगला ग्रामर पैटर्न लेके। तो चलिए, तब सीखते रहिए, धन्यवाद। यहाँ पे मैं एक बात बता दूं, अगर मेरे मेरे चैनल पर आप नए हो तो क्या करना है, फटाफट से उस वीडियो को लाइक करना है, ठीक है, जो फ्री है, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद वहां पे एक बेल आइकन है, उसे भी क्लिक कीजिएगा, ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी आ जाए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।